let speed of first car equals to x kilometer per hour, speed of second car equals to y kilometer per hour. फर्स्ट सिचुएशन को अगर समझे तो मैं शो करना चाहूंगा, मान लेते दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एस है स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लेते हैं फर्स्ट कार ने ए पोजीशन तक 4 घंटे में ट्रेवल किया और बी कार ने, सेकंड कार ने बी पोजीशन तक 4 घंटे में ट्रेवल किया। ऑब्वियसली दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग होंगे सेम टाइम में, है ना। तो ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी क्योंकि टाइम कितना लगा था 4 आवर्स, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4x किलोमीटर। इज दैट क्लियर। ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगेन टाइम तो कितना है 4 आवर्स और स्पीड कितनी है y, तो ये कितना हो जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि इफ टू पीपल हैव अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स फ्रॉम द सेम प्लेस, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में बताइए हमें कितनी, 24 किलोमीटर। नाउ कैन यू मेक अ रिलेशन बिटवीन 4x 4y एंड 24, कैन तीनों एक रिलेशन बना सकते हो और वो रिलेशन क्या बनेगा, 4x = 4y + 24, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल की है वो एक्चुअली इन दोनों का एडिशन के इक्वल है। ऐसे में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x - 4y = 24, यहां से 4 कॉमन लिया, x - y = 24, सो x - y = 24/4, सो x - y = 6, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है ना। तो माइनस आपने किया वो सही था लेकिन उसके पीछे रीजन हमारे पास होना चाहिए, है ना, वो रीजन ये। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, If they go in opposite direction, okay. Case 2 में ये दोनों opposite direction में जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं B इस direction में, यानी second car इस direction में, और first car इस direction में जा रही है। तो ये कितना distance travel करेगा? 4x, starting point ही है, मतलब 4 घंटे में इतना, और ये 4 hours में कितना करेगा? 4y, और इन दोनों के बीच की जो distance है, वो कितनी बन जाती है? According to question, 344 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीस थ्री थिंग्स, 4x + 4y = 344। नाउ वी कैन टेक कॉमन 4, x + y = 344, सो x + y = व्हाट, 4 8 × 32 एंड 4 6 = 24, सो x + y = 86 and x minus y is equals to 6. These two are linear equation in terms of x and y. By solving these, we can easily find the value of x and y, which will give us the speed of these vehicles. यहाँ से हमारे पास vehicles की speed आ जाएगी।